A garland being presented by the Honourable Chief Minister Manipur and President BJP Manipur Pradesh. Presentation of traditional Manipuri Kokyot Lamkang Pulak to the Honourable Prime Minister of India. Traditional Lanyanpi being presented to the Honourable Prime Minister by President BJP Manipur Pradesh Shri K. Bhavananda Singh and Dr. R. K. Ranjan Singh, BJP candidate in our parliamentary constituency, will now present Shri Benjamin Mati, BJP candidate outer parliamentary constituency, presenting a Lanyanpi. भारत माता के मणिपुर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, यहां की सरकार के सभी मंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के सभी वरिष्ठ नेता, इस चुनाव में हमारे दोनों उम्मीदवार मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुमना मकपो खुरुमजरी, मणिपुर की इमा सिंगवो, मणिपुर मियामदा चेरा ओबागी याइपा पावजेल पिजरी, मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि 1:30-2 बजे से आप लोग बैठे हैं और मैं भ्रमण करते करते यहां पहुंचने में विलंब हो गया, और इसलिए मैं पहले मणिपुर वासियों की क्षमा मांगता हूं। देश की आजादी के लिए देश और मणिपुर में शांति स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले यहां के हर वीर बेटे बेटियों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। मणिपुर का मूल क्या है, नॉर्थ ईस्ट का मन क्या है, ये इम्फाल ने आज बता दिया है। आपका ये प्यार, आपका ये जोश मुझे इंस्पायर करता रहा है, और इसलिए एक बार फिर इसी मैदान में बार बार आपसे मिलने का मुझे मौका मिल जाता है। बीते कुछ महीनों में मैं तीसरी बार मणिपुर आया हूं। साथियों, 5 वर्ष के दरमियान जो कुछ भी मैं कर पाया हूं, उसका श्रेय आप सभी को जाता है। अगर आपने मेरा साथ न दिया हो तो देश के लिए कड़े और बड़े फैसले लेने की हिम्मत मैं कभी नहीं कर पाता। ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, वो आपके साथ सहयोग के कारण कर रहा हूं। अब मैं आपके एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे आप लोग? सबके सब जवाब दोगे?
पूरी ताकत से दोगे? पूछ लो, इधर से तो आवाज नहीं आ रही है, पूछ लो, सब जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके इस चौकीदार से खुश है? ये आपका चौकीदार सही रास्ते पर चल रहा है? आपके चौकीदार ने सही काम किया है? आपको ये चौकीदार पे विश्वास है? भाइयों और बहनों, आपका यही प्यार, यही स्नेह है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट आज डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में आ पाया है। आपका ही आशीर्वाद है कि आज मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंची है। आपका ही आशीर्वाद है कि मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड और हिंसा का वो लंबा दौर अब खत्म हो रहा है। ये आप ही का सहयोग है जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट नए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम सेंटर बनता जा रहा है। साथियों, आपका यही आशीर्वाद, यही ऊर्जा आपके इस चौकीदार की ताकत है। इसी ताकत की वजह से हमने निर्णय लेने वाली सरकार चलाई है। फैसले टालने वाले हम लोग नहीं हैं। इसी ताकत की वजह से आज पूरे भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग एक अलग ही स्तर पर है। इसी ताकत की वजह से आज सही मायने में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि पहली बार कोई सरकार प्रो इनकम्बेंसी के साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और अगर गुस्सा है, नाराजगी है, देश पहली बार देख रहा है कि जनता का अगर गुस्सा है, नाराजगी है, तो विरोधी दलों के खिलाफ है। ऐसा बहुत बार नहीं होता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके इस चौकीदार ने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी है। जनता नियत को पहचानती है, निष्ठा को पहचानती है और इसी से क्रेडिबिलिटी बनती है। झूठ, अफवाह, बिना सिर पैर की बातें करना क्रेडिबिलिटी की तरह किस तरह जीरो हो जाती है, ये भी हम देख रहे हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने यही रास्ता अपनाया जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। साथियों, जो कांग्रेस मोदी के विरोध में राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता तक को दांव पर लगा सकती है, उसकी बातों को लोग कैसे गंभीरता से लेंगे? आप खुद सोचिए, भारत पहली बार पाकिस्तान में जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करता है। और ये कांग्रेस कह रही है सबूत दो, सबूत दो। आपको देश की सेना पर भरोसा है कि नहीं है?
हमारी वीरता पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे जवान पराक्रम कर सकते इस बात में आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको है, कांग्रेस वालों को नहीं है। जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान दुनिया में फैलाना चाहता है, ये कांग्रेस के नेता उसी को बोल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक दिल्ली में और एक जम्मू कश्मीर में। यहां तक कि कांग्रेस का जो ढकोसला पत्र है वो भारत का कम पाकिस्तान का भौंपू ज्यादा लगता है। साथियों, कांग्रेस ने कहा कि धारा 300 पर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वहां पाकिस्तान की सरकार ने वही बात दोहरा दी। ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी मिलावट है? साथियों, नेताजी के साथ मिलकर के जिन्होंने मोइरांग में पहली बार तिरंगा फहराया, ऐसा मणिपुर क्या कभी कांग्रेस को माफ करेगा? क्या कभी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? क्या आप कांग्रेस को सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी तगड़ी सजा देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि नामदार ने कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। इतने वर्षों तक कांग्रेस के शासन में यहां क्या मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग में क्या काम हुआ? दो कदम भी चले क्या? ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। उन्होंने कुछ किया है क्या? कोई मैन्युफैक्चरिंग हब बना है क्या? हां, ये लोग कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट है, मास्टर है। ये गाली गलौज मैन्युफैक्चर करने में मास्टर है, ये झूठ मैन्युफैक्चर करने में मास्टर है। आपको याद है, कुछ महीने पहले तक देश भर में घूम घूम कर कहते फिरते थे मेक इन इम्फाल मोबाइल बनाएंगे, भोपाल में जाएंगे तो कहेंगे मेक इन इंडिया भोपाल बनाएंगे, बनारस जाएंगे तो कहेंगे मेक इन इंडिया बनारस बनाएंगे। ये ऐसे ही बोलते रहते थे। जब इनको किसी ने बताया कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और पांच वर्ष में मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां उनके जमाने में दो थी, आज 125 हो गई है। जब ये किसी ने उनके दिमाग में इंजेक्शन डाल करके भरा तब उनको पता चला, और अब जाकर के मेक इन इंडिया मोबाइल बोलना बंद कर दिया उन्होंने। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट की चिंता होती तो इम्फाल सहित यहां की सभी राजधानियां अब जाकर से रेलवे से अब जुड़ी है, वो पहले जुड़ जाती है। यहां अच्छे हाईवे और सड़कें बनाने का काम मोदी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स इतने लंबे लंबे समय तक लटकते ना रहते। डोलाई थावी बैराज को बनाने के लिए मोदी का इंतजार न करना पड़ता। साथियों, मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स का टैलेंट तो पहले से ही था,
लेकिन कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। मैरी कॉम, कुंजू रानी देवी, मीराबाई चानू, बंबायला देवी, लेशराम, ऐसे अनेक एथलीट ये मणिपुर की धरती ने दिए हैं। हजारों ऐसे टैलेंटेड बेटे बेटियां यहां के गांव गांव में मौजूद है। हमारी सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के साथ साथ मणिपुर को देश का स्पोर्टिंग हब बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। साथियों, वैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत से खेल खेले हैं, पर ये खेल उसने आप लोगों की जिंदगियों से खेले हैं, आपके सम्मान के साथ खेला है। मणिपुर के लोग तो फुटबॉल के खेल में चैंपियन है। हमारे मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी भी खुद फुटबॉलर है। अब राजनीति की इस फुटबॉल में हर बार आपके साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ फाउल करने वाली कांग्रेस को रेड कार्ड दिखाने का वक्त आ गया है। दिखाओगे ना, उन्हें मणिपुर समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट से इस बार भी रेड कार्ड दिखाकर अगले सारे राजनीतिक मैचों के लिए साइड पर बिठा दीजिए। साथियों, कांग्रेस और उनके साथी नॉर्थ ईस्ट में तब दिखाई देते हैं जब चुनाव होता है। एक बार चुनाव खत्म तो उनकी छिपने की बारी शुरू हो जाती है। फिर कांग्रेस के नेता आपको कहीं दिखाई देते हैं क्या? ये आपके साथ इसी लुका छिपी के चलते आपकी समस्याएं हल नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो व्यवहार कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार द्वारा किया गया है, उस गलती को सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है। भाई और बहनों, अपने यूथ के टैलेंट और उनकी पढ़ाई और कमाई के लिए बेहतर अवसर बनाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। मणिपुर में वीमेन मार्केट की व्यवस्था को हमारी सरकार ने मजबूत किया। नॉर्थ ईस्ट में बीपीओ के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। मुद्रा योजना से मणिपुर के 1,00,000 युवाओं को बिना गारंटी के लोन दिए गए हैं, जिसमें 60,000 तो महिलाएं हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के शासन में आए दिन दूसरे शहरों में नॉर्थ ईस्ट के साथियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आती थी, उनमें अब कमी आई है। बेंगलुरु में कब से नॉर्थ ईस्ट के साथी लेडीज हॉस्टल की मांग कर रहे थे, आपके चौकीदार ने ये मांग भी पूरी कर दी है। साथियों, आपका ये चौकीदार हर वर्ग के हित की सुरक्षा में जुटा है। मणिपुर के करीब 1,25,000 किसानों के खाते में सीधी मदद जमा होने शुरू हो चुकी है। वही बैंबू की खेती पर यहां के किसान अब अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके, इसके लिए कानून बदलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पहले तो अगर बांबू काटा तो जेल जाना पड़ता था, हमने ऐसा कानून बनाया
आप बांबू की खेती भी कर सकते हैं, बांबू बेच भी सकते हैं और सरकार आपको परेशान नहीं कर सकती है। मणिपुर के मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा और अलग बोर्ड बनाने का फैसला भी हमारी सरकार ने ही किया है और पहली बार मछुआरों के लिए मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। यहां के करीब 3 लाख गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा चौकीदार की सरकार ने की है। यहां के 10,000 गरीब परिवारों को पक्के घर और 1 लाख बहनों को एलपीजी गैस भी ये चौकीदार की सरकार ने दिया है। साथियों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी लेकिन उनकी नीयत ठगी की थी, करप्शन की थी। यहां मणिपुर में उनकी सरकार जब थी तो उन्होंने चौकीदारों तक को नहीं छोड़ा। जो लोग चौकीदार क्वार्टर्स कैंप कर सकते हैं वो आपके हितों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यहां के कांग्रेस के नेता चौकीदारों के क्वार्टर हड़प जाते हैं और दिल्ली में उनके नामदार देश की सुरक्षा से जुड़े सौदों में दलाली खाते हैं। दलाली ऐसी बदनीयत वालों की जमानत जब्त हो, इसके लिए आप सभी को भारी संख्या में कमल के फूल के सामने बटन दबाकर चौकीदार को सशक्त करना है। भाइयों बहनों, कमल के फूल के सामने आप जब बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। तो आपका वोट मोदी को मिलेगा, इस चौकीदार को मिलेगा। देखिए, मैं एक बात नारा बुलवाता हूं, आप बोलेंगे, मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार, कहेंगे मैं भी, पूरी ताकत से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं भी। गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं भी, भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान, मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करें। मैं आम लेखक निवेदन खुबा अहोबुबरी इकाई कुमार चरीबा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मौम असी था लिंग बिखरगनी।